हमारे बीच में परम आदरणीय धर्मवीर सिंह अशोक जी आए और अपने उद्बोधन के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को एक संदेश दें। सम्मानीय धर्मवीर सिंह अशोक जी, भारत रत्न, भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 62वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उपस्थित आदरणीय भंतेगण, पूज्य भंतेगण और इस अवसर पर इकट्ठा हुए सभी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा के सभी सम्मानित बुजुर्गण, सम्मानित महिलाएं, नौजवान साथियों, दोस्तों, साथियों, आज पुष्पांजलि का दिन है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 6 दिसंबर को हमें अकेला छोड़कर चले गए। तो इस अवसर पर मैं सबसे पहले आप सबकी तरफ से पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ, साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को माने ना, मेरी बातों को जाने। अगर जान गए तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप मेरी बातों को माने, आप लोग स्वतः ही मान लोगे। आज हम लोगों को ये देखना है कि हम इस देश में मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन कैसे जी सकते हैं, क्योंकि खतरा इसी बात का है, जिएंगे तो जरूर लेकिन कहीं गुलामी तो नहीं आने वाली। बाबा साहब स्वाभिमान देकर गए, सम्मान देकर गए और आज इस देश में चारों तरफ बादल मंडरा रहे हैं वे लोग, जो लोग हजारों साल से पाखंडवाद, अंधविश्वास के बल पर हम लोगों को गुलाम बनाकर रखे थे, उन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये रास्ता पसंद नहीं आ रहा है। वे लोग उन्हें हमको उसी जगह ले जाना चाहते हैं गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर या अन्य अंधविश्वास के नाम पर। तो हमें पहले जानवर नहीं, पहले इंसान के बारे में सोचना है। अगर इंसान सुरक्षित रहेंगे तो जानवर भी सुरक्षित रहेंगे, और अगर इंसान ही गुलाम बन गए तो जानवर तो ऑटोमेटिक गुलाम होते हैं। इसलिए आज इस अवसर पर किस चीज की जरूरत है, एक शब्द शक्ति, जो मैं पढ़ रहा हूं उसका अंग्रेजी में नाम है पावर, जोश, एनर्जी, ऊर्जा। ये पावर है कहां, ये देखना है। नौजवान में जीने के लिए पावर तो है, पर उस पावर का इस्तेमाल कैसे होगा, ये पावर ज्यादा बड़े रूप में कैसे बनेगी, हमें इस पर ध्यान देना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया इस देश को चलाने के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए, कर्तव्य और अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन क्या वास्तव में बाबा का संविधान लागू हो रहा है इस देश में? आज भी समाज में जाकर के देखोगे तो वहां पर आज भी मनु का संविधान लागू होता है। इसलिए हमें अगर बाबा साहब का संविधान लागू करना है तो हमें बाबा साहब की एक बात पर चलना पड़ेगा। जब तक हम उस बात को लेकर के नहीं चलेंगे, हम लोग बहुत जल्दी कह देते हैं हम नॉन पॉलिटिशियन हैं, हम गैर राजनीतिक हैं। मैं कहता हूं बाबा साहब ने एक भी आदमी को गैर राजनीतिक नहीं रहने दिया, सबको पॉलिटिकल बनाया, राजनीतिक बनाया, सबको वोट का अधिकार दिलाया। एक एक आदमी के पास वोट का अधिकार है, जब वो अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करता है तो पॉलिटिकल ही कहलाता है। इसलिए
हम लोग इस सेंटेंस को आसानी से बोल देते हैं कि हम नॉन पॉलिटिशियन है। नहीं, हम पहले पॉलिटिशियन है, उसके बाद कुछ और है। क्यों? क्योंकि पावर के बिना कुछ नहीं है, बिना शक्ति के बिना कुछ नहीं है। इसलिए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ ऑल विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खुल जाता है। एक चाबी बना लो, हजार चाबी बनाने की जरूरत नहीं है, हजारों ताले खुल जाएंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, बाबा साहब अगर कितने भी पढ़ जाते, विदेश में भी पढ़ लेते, अगर यहां पर अंग्रेजों की ताकत नहीं होती, अंग्रेजों का शासन नहीं होता, तो बाबा साहब इस देश में कुछ भी कर नहीं पाते। ये अंग्रेजों की ताकत के बल पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में अपने आप को स्थापित किया। क्यों? क्योंकि इस देश के जो कर्णधार थे, जो चाहते थे, जो कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने ये कह दिया था कि हम डॉक्टर अंबेडकर को संसद में नहीं आने देंगे, संविधान सभा में आने नहीं देंगे, हमने उनके लिए सारे गेट, सारे दरवाजे, सारे रोशनदान बंद कर दिए हैं। लेकिन धन्यवाद देता हूं बंगाल के अपने उन चांडालों को जिन्होंने विषम परिस्थितियों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में भेजा। लेकिन यहाँ के चालाक लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान में ना रह सके, इसलिए जिस क्षेत्र से जीत के आए थे खुलना जयसोर को, उन्होंने उस क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया, जबकि शर्त ये थी कि जहाँ पर 49% हिंदू होंगे और 51% मुसलमान होंगे, या जहां पर मुसलमान 49% होंगे और हिंदू 51% होंगे, तो 51% हिंदू वाला क्षेत्र वो भारत में रहेगा और 49% वाला क्षेत्र वो पाकिस्तान में रहेगा। लेकिन वहां पर 51% हिंदू थे, उसके बाद भी गांधी एंड कंपनी ने वो क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया। बाबा साहब बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा कि इनका मकसद मुझे संविधान में सभा में जाने से रोकना है, इसलिए उन्होंने अंग्रेज प्रधानमंत्री लॉर्ड माउंटबेटन पर दबाव डाला, क्योंकि उनके पास ताकत थी। उन्होंने उनसे कहा कि मैं अपने देश में रहना चाहता हूँ, मेरा समाज भारत में है और ये मुझे नहीं चाहते कि मैं भारत में रहूं, इसलिए आप लोग इन लोगों पर दबाव बनाओ कि पहले डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में लेकर के आओ, तब हम तुम्हारा देश आजाद करेंगे। यही बात लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू और गांधी से कही, तब इन्होंने दबाव में आकर के ये एक सीट को खाली कराया और बाबा साहब को संविधान सभा में लाए। तो ये अंग्रेजों की ताकत की बदौलत संविधान सभा में आए, अगर अंग्रेजों की ताकत नहीं होती तो बाबा साहब संविधान सभा में नहीं आते और इस संविधान को बना नहीं पाते। इसलिए हमें बहुत गहराई से हर चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। ताकत की कद्र है, ताकत जहाँ है वहाँ हर चीज मानी जाती है, जहाँ ताकत नहीं है वहाँ किसी की कोई बात नहीं मानी जाती। और आज ये इस देश के जिन जो मुखिया बने बैठे हैं, वो धर्म के नाम पर, पाखंडवाद के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर हम इस देश के गरीबों को गुमराह और परेशान कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, लुटाई कर रहे हैं, हर तरह से परेशान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताकत उनके पास है, और जब तक राजनीतिक ताकत उनके पास रहेगी हम लोग कुछ भी उनका बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि हमारे पास ताकत आए, तो एक ही रास्ता है और वो इस देश के अंदर है, अकेली बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी को इस समय पूरी ताकत के साथ लेकर के चल रही है। आप सब लोगों को एकजुट होकर के बहन कुमारी मायावती जी का साथ देना पड़ेगा। वैसे पूरे देश में मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, आज हलचल है, आज हमारा नौजवान तबका पूरा बहन जी के साथ दे रहा है, क्योंकि मैंने देखा है 80% राजस्थान में नौजवानों ने प्रतिज्ञा कर ली है, और उसी से मुझे अंदाजा लग रहा है कि आने वाले 4 दिसंबर को जब बहन जी दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में आएंगी, तो वहां पर भी हमें नौजवान साथी देखने
को मिलेंगे और वो ये निर्णय लेंगे कि आने वाले 2019 के चुनाव में हम बहन कुमारी मायावती जी को हम भारी मतों से जिता करके उनको इस देश का मुखिया बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज इस अवसर पर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पर निर्माण दिवस है, तो अगर संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हो, अगर संविधान को इस देश में लागू करना चाहते हो, अगर संविधान को जानना चाहते हो, तो आप लोगों को पहले राजनीतिक ताकत को जानना पड़ेगा, इस पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तभी आप लोगों का भला होगा, वरना तो ये अंधविश्वास में आप लोगों को जकड़े रहेंगे। और इधर हमारी बहन बेटियां बैठी हुई हैं, इनके लिए मैं अक्सर एक कहानी सुनाया करता हूँ, आज यहाँ पर भी मैं उस कहानी को सुनाना चाहता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने यूट्यूब पर उस कहानी को करोड़ों लोगों ने सुना है, फिर भी मैं दोबारा से उसे दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि जरूरत है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं हमको दी थी 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में, जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उस दिन ये 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। लेकिन क्या वास्तव में अंबेडकरवादी उन 22 प्रतिज्ञाओं पर अमल करते हैं? जब तक उनके घर में 12 हाथ वाली या खड़ाऊ वाली या तलवार वाली या उनके तस्वीरें दिखाई देती रहेंगी, समझो वो अंबेडकरवादी नहीं है, वे लोग मनुवाद के पोषक हैं। इसलिए आज मैं इस कहानी के माध्यम से फिर आपको सचेत करना चाहता हूँ। एक गांव में शादी होकर आई थी, बहू की सास बोली के चल बेटा तुझे देवी के दर्शन करा लूं, मंदिर में चलते हैं। बहू ने कहा चलो माँ जी, पूजा पाठ का सामान हाथ में लिया, आगे आगे सास और पीछे पीछे बहू चल दी। जब मंदिर के हाथे में पहुंची तो सामने दो शेर खड़े थे, शेरों को देखकर डर गई बहू, डर गई। बहू ने कहा माँ जी ठहरो, देखो सामने शेर खड़े हैं, हमें खा जाएंगे, घर वापिस चलते हैं। सास बोली बहू तो सीधी आ गई, मेरे तो घर का नाश हो गया। उसने कहा बेटा ये तो पत्थर के शेर है, ये खा नहीं सकते। बहू ने कहा माँ जी नहीं खा सकते तो चलो। जब मंदिर के द्वार पर पहुंची तो वहां पर एक गाय के दूध को उसका बछड़ा पी रहा था। बहू ने कहा माँ जी ठहरो, देखो यहाँ पर कोई आदमी नहीं है और इस गाय के दूध को इसका बछड़ा पिया जाता है, मैं घर से बाल्टी लेकर आती हूँ और इसका दूध निकाल के घर ले चलेंगे। सास ने मारा सिर में हाथ, बोली बहू तो पागल आ गई, मेरे तो घर का सत्यानाश हो गया। अरे तू अंधी है, दिखाई नहीं दे रहा, ये पत्थर की गाय है, पत्थर का बछड़ा है, न ये दूध दे सकते न दूध पी सकता है। बहू ने कहा माँ जी नहीं पी सकता चलो। जब मंदिर के अंदर पहुंची तो सास बोली बेटा मांगला देवी जी बैठी है। बहू ने चारों तरफ घूम फिर देखा, माँ जी कहाँ पे? अरे ये ना बैठी, माँ जी मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये पत्थर की हो। हाँ पूरी महिलाएं इसी से मांगती हैं, तू भी मांग ले। बहू ने कहा माँ जी मांगने से पहले मेरी बात सुनो, जब पत्थर के सिर हमें खा नहीं सकते, पत्थर की गाय दूध दे नहीं सकती, पत्थर का बछड़ा दूध पी नहीं सकता, तो पत्थर की देवी भी मुझे कुछ देने वाली नहीं है, मेरी देवी तो तुम हो, साक्षात जिंदा देवी हो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी तो बदले मुझे प्यार और सम्मान मिलेगा। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, जो घर में असली देवी बैठी है माँ बहन बहु बेटी के रूप में, उस पे तो हमारा डंडा चलता है, गाली देते हैं, अपमानित करते हैं, अत्याचार करते हैं और शादी में दहेज की डिमांड करते हैं, और अगर ना मिले तो बहू को आग में जला करके मार देते हैं। असली जिंदा देवी पे अत्याचार और पतली पत्थर की नकली देवी बारे हाथ वाली पर लड्डू, तुम्हारा कभी भला होने वाला नहीं है। और एक देवी और मैं बता रहा हूँ आपको, अगर इस देश के अंदर शक्तिशाली कोई देवी है तो बहन कुमारी मायावती जी है, क्योंकि हमारे आज मोदी को डर राहुल से नहीं है, राहुल को डर मोदी से नहीं है, सोनिया को डर मोदी से नहीं है, मोदी को डर सोनिया से नहीं है, अगर मोदी और राहुल को डर है तो बहन कुमारी मायावती से डर है। इसलिए आज आप सब लोग यहाँ से एक प्रतिज्ञा करके उठेंगे, नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, चाहे हमारे कोई भी हो, चाहे धार्मिक है, चाहे जाति के नाम पर संगठन है, चाहे धर्म के नाम पर संगठन है, चाहे महापुरुषों के नाम पर संगठन है, अगर वो वास्तव में बाबा साहब के सच्चे पुजारी हैं तो जहाँ जो कर रहे करें, लेकिन अपने संबोधन में एक बात जरूर कहें कि भाई हमारी जो लड़ाई है वो मोदी से लड़ाई है, और इस लड़ाई को अगर जीत सकते हैं तो बहन कुमार
जीत सकती है तो हमें हाथी का बटन दबाना है और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना है। तो आप वास्तव में समाज के सच्चे सिपाही हैं, वरना तो धोखा ही धोखा है। जाति और धर्म के नाम पर कहीं चाटम महासभा, कहीं पर जो है वेरवा महासभा, कहीं पे रैगर महासभा, कहीं पे मेघवाल महासभा, कहीं पे वाल्मीकि समाज महासभा, कहीं सैनी महासभा, कहीं राजपूत महासभा, ये सभा जितनी बन रही है अगर ये राजनीति में इस्तेमाल होती है दूसरों के हाथों तो फिर इस समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोग जो सुन रहे हैं, कह दो हमें कोई ऐतराज नहीं है, बनाना चाहो बनाओ, लेकिन एक सेंटेंस जरूर बोलिए क्या कि बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और हाथी का बटन दबाएंगे और देश पर अपना राज कायम करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय।